हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षण हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए तीसरा अध्याय राग काफी लेके आया हूं, जिसका पार्ट वन है, जिसका पूर्ण परिचय मैं आपको दूंगा राग काफी का। और राग काफी भी संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है और अपने थाट से ही आश्रित राग है, अपने थाट से ही जनक है। तो सबसे पहले थाट के बारे में बात करते हैं। थाट इसका काफी ही है और इसका गायन समय है मध्य रात्रि यानी मिडनाइट 12 से 4। इसका वादी है पा और संवादी है रे। इसके वादी संवादी में थोड़ा सा डाउट है लोगों को कि पा और रे, मैंने जहां तक पढ़ा है पा और रे ही है। कहीं कहीं संवादी सा भी बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप गूगल करेंगे तो सा मिलेगा, पर नेट का मैं इतना बिलीव नहीं करता हूं। तो मेरे अनुसार पा और रे, मेरे गुरु के अनुसार। और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, 7 स्वर प्रयोग होते हैं आरोहरों में। और विक्रय स्वर इसमें गा और नहीं है, जैसे थाट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम। और न्यास के स्वर इसके हैं सा, रे और पा। ये चंचल प्रकृति की राग है और इसमें ठुमरी और ख्याल ही गाए जाते हैं। ये ठुमरी की राग है, ठुमरी की स्पेशली राग है ये, ठुमरी गायन शैली गाई जाती है इसमें। और इसके आरों में कभी कभी शुद्ध नी और शुद्ध गा भी प्रयोग करते हैं। वैसे इसमें विक्रस और कोमल गा और कोमल नी है, पर कभी कभी आरों में गा शुद्ध और नी शुद्ध प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका आरोह देखते हैं, सा रे गा कोमल मा पा धा नी कोमल और सा। अवरो भी बिल्कुल वैसे, सा नी कोमल धा पा मा गा कोमल रे और सा। अब पकड़ की बात करते हैं। पकड़ इसकी बहुत इजी है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा। हर सा सा दो दो बार इसके कॉमा है, सा सा रे रे गा गा मामा पा, ये इसकी पकड़ है। और इसके बारे में बता दें कि ये ठुमरी राग जैसे मैंने बताया, और इसमें छोटा ख्याल और ठुमरी गाई जाती है, बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता है। और इसकी संप्रकृति राग वैसे तो कोई नहीं, पर निकटवर्ती राग इसकी है सिंदूरा, सिंदूरा इसकी निकटवर्ती राग है। तो ये काफ़ी थाट से आश्रित राग है, मैंने आपको बताया आश्रय राग है। और इसमें शुद्ध में आरोह में शुद्ध गा और शुद्ध नी प्रयोग कर लेते हैं। और वादी संवादी पा रहे हैं, न्यास के सुर सारे पा है। तो ये इसका पूर्ण विवरण हुआ। अगले वीडियो में ये पार्ट है कि अगले वीडियो में इसकी स्वरलिपि की बंदिश की स्वरलिपि में बताऊंगा, और उसके बाद उसका गायन बताऊंगा थर्ड पार्ट में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।